उज्जैन के नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नर्सिंग कॉलेजों को सील कर दिया गया। सेठी नगर के पास मंगल कॉलोनी में संचालित होने वाले जेके नर्सिंग कॉलेज पर कार्रवाई की गई। सीएमएचओ अशोक पटेल ने बताया कि कलेक्टर से पत्र प्राप्त हुआ था, इसको लेकर कार्रवाई की गई है। कॉलेज में 125 विद्यार्थी है, कॉलेज को सील किया है लेकिन एग्जाम पर रोक नहीं लगाई गई है। जैसे कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश 13 फरवरी 2024 के हैं कि जो सीबीआई जांच करवाई गई थी, जो नर्सिंग कॉलेज की इररेगुलरिटीज थी, उसमें 66 कॉलेज मध्य प्रदेश में अनियमित पाए गए थे, अनसुटेबल फिट कराए गए थे। उनमें से एक कॉलेज उज्जैन का भी था जिसमें जेके नर्सिंग कॉलेज था। उसी के तारतम्य में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि जो माननीय हाईकोर्ट का निर्देश है उनके परिपालन में इस कॉलेज को क्लोज डाउन किया जाना है, और हम पूरे सीएमएचओ की टीम के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ और सारी टीम इस कॉलेज कैंपस को सील करने की कार्रवाई माननीय हाईकोर्ट के परिपालन में की जा रही है। कुछ रियायत दी गई है एग्जाम को देखते, चूँकि बच्चों के थ्योरी एग्जाम हो चुके हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम 15 दिन में होने हैं, तो लैब को छोड़ के बाकी कैंपस को सील किया जा रहा है। कुछ अनियमितता पाई गई? अनियमितता सीबीआई जांच की रिपोर्ट में एक बार देख के उसमें अनियमितता है, जो कि कैंपस का है और जो भी नर्सिंग कॉलेजेस के जो पैरामीटर हैं उनमें कुछ कमियां रही होंगी, तभी सीबीआई जांच ने प्रस्तावित किया था। उसमें हाईकोर्ट के परिपालन में इसको अनसुटेबल फिट दिया गया था, उसी के परिपालन में सीलिंग कार्रवाई हो जा रही है। हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार मध्य प्रदेश में 66 नर्सिंग कॉलेजों को क्लोज डाउन की श्रेणी में रखा गया है। उसको हमारे जिले को जो लिस्ट प्राप्त हुई है उसमें जेके नर्सिंग कॉलेज उज्जैन का नाम है, जिसको आज शासन के निर्देश के अनुसार उसको हम क्लोज डाउन कर रहे हैं, उसको सील किया जा रहा है। लेकिन इसमें शासन के आदेश में ये भी लिखा है कि छात्रों को नुकसान नहीं हो, तो चूँकि छात्रों की यहाँ पर थ्योरी एग्ज़ाम कम्प्लीट हो चुकी है और प्रैक्टिकल क्लास एग्ज़ाम होना बाकी है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने के लिए हम लैब को छोड़कर बाकी जितने भी संस्था के ऑफिस से कार्यालय है उन सबको हम सील किया जा रहा है। उज्जैन पुलिस द्वारा यात्रियों के साथ ठगी करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ सर्चिंग अभियान चलाया गया। ऑटो चालकों एवं ई रिक्शा संचालकों पर कार्रवाई की गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से महाकाल मंदिर वहां अन्य मंदिरों में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के बीच से शिकायत आ रही थी, जिसमें ऑटो चालक द्वारा अधिक राशि वसूलने, महाकाल दर्शन कराने के लिए कमीशन और अभद्र व्यवहार करने जैसी घटनाएं सामने आ रही थी। एडिशनल एसपी के अनुसार ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि उज्जैन आने वाले श्रद्धालु सुगमता से दर्शन कर सके, उज्जैन से एक अच्छा संदेश लेकर जाए। क्या है, कई दर्शनार्थी यहाँ पर दूर दूर से देश के विभिन्न कोनों से आते हैं और सुगमता से उनको सुरक्षा के साथ में बाबा महाकाल के और अन्य यहाँ धार्मिक मंदिरों के दर्शन हो जाएं, इस हेतु जो है उज्जैन पुलिस का प्रयास रहता है। बीच में ये देखने में आया है कि रेलवे स्टेशन और अन्य जो है ऐसी सार्वजनिक प्लेसेस है जहाँ पे परिवहन के साधन ऑटो रिक्शा ई रिक्शा आदि मिलते हैं, उन स्थानों पे ऑटो चालक ड्राइवरों द्वारा, ई रिक्शा ड्राइवरों द्वारा यात्रियों के साथ में एक अभद्रतापूर्वक व्यवहार जो है अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए, अपने इस अमुक होटल में रुकने के लिए आदि चीज़ों को लेकर किया जाता था। इस हेतु जो है लगातार उज्जैन पुलिस द्वारा विगत कुछ दिन से कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं। इसमें रेलवे स्टेशन पर महाकाल क्षेत्र के आसपास ऐसे ऑटो चालक हैं और ऐसे एजेंट टाइप के व्यक्ति जो इस प्रक्रिया में संलिप्त रहते थे उनको चिन्हित किया गया है, उन पर लगातार कार्रवाई जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कुछ दिनों पूर्व ग्राम बिछोड़ में लखन राठौर की हत्या के मामले में ग्रामीण जन और परिवार के लोगों ने अपराधियों के मकान तोड़ने की मांग की। घटिया पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई और उनके मकान तोड़ने की मांग को लेकर परिवार और ग्रामीण जनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, जहां उन्होंने अपराधियों के अवैध मकान को तोड़ने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही यह कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में वहाँ नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करेंगे। हमारी जो मांगे है वो तो उसमें है, बाकी हम मकान ध्वस्त कराने के लिए उनके यहाँ आवेदन देने सर को आए। कितने आरोपी अभी पुलिस ने गिरफ्तार किए? 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए सर।
तब आपकी मांग ये है कि उनके मकान तोड़े जाए, उनके मकान तोड़े जाए। तभी आपने ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया सर ने कि 2 या 3 दिन में हम कर देंगे, यदि उन्होंने नहीं करा तो हम नजरपुर हाईवे जाम करेंगे। उज्जैन, इसमें हमारे राठौर समाज के समर्पित कार्यकर्ता लखन राठौर की हत्या हुई है और हम समाज जन और ये ग्रामवासी जो आए हैं, हम ये चाहते हैं कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और दूसरा इनके जो है मकान ध्वस्त करवाना है। इस विषय में जो है कि एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में आपका जो है कि आश्वासन है कि बहुत जल्दी इस कार्रवाई को पूर्ण करेंगे। खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से है, जहां खगनार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डाइकोडिया में बीती देर रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। एक साथ लगे हुए 2 मकानों के ताले तोड़कर सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोरी गए ज्वेलरी और नकदी मिलाकर कुल 3 लाख से अधिक पर हाथ साफ किया है। घटना की शिकायत खगनार थाना पुलिस को की गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच प्रारंभ की, वहीं चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। रात में सोए हुए थे, सुबह 3:30 बजे के आसपास सामने फॉरेस्ट ऑफिसर है, उन्होंने उनको आवाज़ लगाई कि भाई आपके घर में चोरी हुई है। तो फिर हम लोगों ने गेट वेट खोला, बाहर जा कर के देखा हमने कि भाई गेट खुला है। फिर हम लोग अंदर गए, अंदर जा कर के देखा तो अलमारी से पूरा सामान बाहर बिखरा पड़ा था। कुछ कैश था, कुछ ज्वेलरी वगैरह थी, ऐसा 1 से 1.5 लाख रुपये के समथिंग सामान चोरी हुआ है हमारा। और हमारे बड़े पापा ये लोग कल ही शाम में बाहर गए थे, पूना गए हुए हैं, अभी वो लोग पहुंचे भी नहीं थे और उनके यहाँ रात में ऐसा चोरी हुई, ऐसी घटना हुई। ये ऐसी हुई रात में 1 से लेकर 3:30-4 बजे की घटना है। अच्छा, इसके अंतर्गत मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं यहाँ था नहीं। हाँ। तो ये घर बंद था, मुझे मीडिया को कॉल आया सुबह 9 बजे। हाँ। तो मैं यहाँ आया, मुझे ताले टूटे हुए मिले। अच्छा। एक मेन गेट का, फिर सेकंड ये बीच वाले गेट का। हाँ। देन ये सब हुआ है, इसके अंदर मेरा 1.5 लाख रुपए का सोना गया है। अच्छा। एंड केस था कुछ, केस 10-15 हजार रूपए। चोरी की घटना का कब पता चला? मुझे 9 बजे पता चला, 9:30-9 बजे के करीब। अच्छा, घर आकर देखा तो क्या क्या गया आपका नुकसान? घर आके सोना गया है मेरा, मीन तो। अच्छा। और कैश गया है।